हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर उर्विशा और मैं एक फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में एंकल स्प्रेन यानी कि टखने में आने वाली मोच के बारे में बातें करेंगे। एंकल स्प्रेन एक बहुत ही कॉमन इंजरी है। ये इंजरी तब होती है जब हमारा पैर गलत तरीके से रोल होता है, ट्विस्ट होता है या फिर टर्न होता है। स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों के पैर गलत तरीके से मुड़ने से उन्हें एंकल स्प्रेन होता है और हमें हमारे रूटीन काम जैसे कि चलते फिरते वक्त जब हमारा पैर एकदम से झटके से गलत तरीके से मुड़ता है तब हमें ये इंजरी होती है। इंजरी है। लिगामेंट्स हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज रखने में हेल्प करते हैं और एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करके हमारे जॉइंट को स्थिर रखने में भी हेल्प करते हैं। एंकल स्प्रेन यानी कि टखने में मोच तब आती है जब लिगामेंट उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा स्ट्रेच होता है। ज्यादातर मोच एंकल के बाहर की साइड वाले पोर्शन में आती है। लिगामेंट्स में कितना स्ट्रेच आया है, कितनी चोट लगी है, उसके आधार पर उसे 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रेड 1, इसमें लिगामेंट सिर्फ खिंच जाता है, इसमें फाइबर डैमेज नहीं होते और जॉइंट इनस्टेबिलिटी भी नहीं होती। ग्रेड 2, इसे मॉडरेट एंकल स्प्रेन भी कहा जाता है। इसमें लिगामेंट्स में खिंचाव आता है और लिगामेंट्स के कुछ फाइबर्स डैमेज भी होते हैं, लेकिन लिगामेंट इनकम्प्लीट टेयर होता है यानी कि लिगामेंट पूरी तरह से टूटता नहीं है। ग्रेड 3, इसको सीवियर एंकल स्प्रेन कहा जाता है। इसमें लिगामेंट कम्प्लीटली रप्चर्ड होता है यानी कि लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन हड्डी को कोई डैमेज नहीं होता। फिर भी आप जॉइंट पे वेट देके अफेक्टेड लिम का यूज नहीं कर पाते क्योंकि आपका जॉइंट स्टेबल नहीं होता। ग्रेड 3 में लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है तो इसे सर्जरी करके ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन ग्रेड 1 और 2 को आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हो। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में अब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। एंकल स्प्रेन को ठीक करने के लिए आपको राइज प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना होगा और कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी होगी। अब बात करें राइज प्रोटोकॉल की, तो इसमें R का मतलब है रेस्ट। हमारा एंकल जॉइंट हमारे बॉडी का ऐसा एरिया है जिस पे हमारे बॉडी का पूरा वेट आता है। अब आपको जब टखने में मोच आती है तो सबसे पहले उस एरिया को आराम देना चाहिए यानी कि उस पर वेट बियरिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से फास्ट रिकवरी हो पाएगी। अगर आप एंकल स्प्रेन होने के बाद भी यानी कि टखने में मोच आने के बाद भी एंकल पर वेट बियरिंग करते हो या फिर एंकल की मूवमेंट चालू रखते हो तो ये इंजरी बढ़ भी सकती है। इसीलिए आपको अपने एंकल को आराम देना चाहिए, एंकल की कम से कम मूवमेंट करनी चाहिए, एंकल पर कम से कम वेट बियरिंग करना चाहिए। इसके लिए आप स्टिक का भी यूज कर सकते हो। अब सेकेंड है आई। आई का मतलब है आइस यानी कि आइसिंग। जब आपके टखने में मोच आती है तब आपको शुरुआत के 3 दिनों तक दिन में 3 से 6 बार 10 मिनट के लिए उस एरिया पर आइस को अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए आप आइस पैक का भी यूज कर सकते हो। आइस पेन को कम करने में और सूजन को भी कम करने में हेल्प करता है। सी का मतलब है कंप्रेशन। अब बात करें कंप्रेशन की, तो एंकल स्प्रेन के बाद आपको एंकल पर कंप्रेशन बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आप क्रैप बैंडेज का यूज कर सकते हो, आप किसी भी कंप्रेशन बैंडेज का यूज कर सकते हो, लेकिन इसे बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधना चाहिए और ना ही इसे बहुत ज्यादा लूज बांधना चाहिए। कंप्रेशन बैंडेज का यूज करने से सूजन को कम करने में हेल्प मिलेगी।
आप चलते फिरते वक्त भी इसे बांधकर चल फिर सकते हो, लेकिन रात को सोते वक्त इसे निकाल देना चाहिए। ई का मतलब है एलिवेशन। इसमें आपको अपने एंकल जॉइंट को एलिवेट यानी कि थोड़ा ऊपर करके रखना चाहिए। आपको टीवी देखते वक्त या फिर सोते वक्त अपने पैर के नीचे एक पिलो को रखना चाहिए। अपने पैर के नीचे पिलो को रखते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके हार्ट लेवल से आपका एंकल जॉइंट का लेवल थोड़ा ऊपर रहे। ऐसा करने से एंकल जॉइंट में जो सूजन आई है वो जल्द ही कम हो जाएगी। एंकल स्प्रेन की वजह से पैर की मूवमेंट कम हो जाती है और पैर में वीकनेस भी आ जाती है। तो जब आपका पेन कम हो जाए और सूजन भी कम हो जाए तब आपको एंकल की कुछ मोबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी करनी होती है। तो इसमें आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसके बारे में चलिए अब हम जान लेते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को एंकल जॉइंट में से ऐसे ऊपर और नीचे करना है। इस तरह इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को एंकल जॉइंट में से ऐसे अंदर की साइड और बाहर की साइड ले आना है। इस तरह इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको एक चेयर को ऐसे पकड़ के खड़े रहना है। आपके जिस पैर में मोच आई है वो वाला पैर पीछे रहना चाहिए। अब आपको आगे वाले पैर के घुटने को थोड़ा मोड़ के आगे की ओर थोड़ा झुकना है। ऐसा करने से पीछे वाले पैर में खिंचाव महसूस होगा। अब उस पोजीशन को 20 से 30 सेकंड्स होल्ड करके रखना है, फिर रिलैक्स हो जाना है। इस तरह इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपको ऐसी पोजीशन में खड़े रहना है। अब आपको अपने पैरों के आगे वाले हिस्सों पर वेट देके अपनी हील्स को ऐसे ऊपर उठाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर घुटनों में से मुड़ने नहीं चाहिए। अब उस पोजीशन को 5 सेकंड्स होल्ड करके रखना है, फिर वापस नीचे आ जाना है। इस तरह इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करना है। अभी मैंने जो बताई वो सभी एक्सरसाइजेस आप दिन में 2 बार कर सकते हो। ये सभी एक्सरसाइजेस हर रोज और दिन में 2 बार करने से आपका एंकल जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही एक्सरसाइजेस से रिलेटेड मेरे और वीडियोस देखने को मिल सके। थैंक यू।